नमस्कार, मैं पवन शर्मा एक बार फिर हाजिर हूं लेकर खबरें अब तक। आज खबरें अब तक में बात होगी 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों को ओम प्रकाश राजभर के दिए बड़े बयान की, राहुल गांधी की चालाकी और राजनीति की, और उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव की सरगर्मी की। इसके अलावा आज दिन भर कौन सी खबर चर्चा का विषय बनी रही, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। आदिवासी महिला से बलात्कार हत्या का प्रयास, कुमुराम भीम आफिसाबाद जिले तेलंगाना में जैनूर शहर में एक ऑटो रिक्शा चालक द्वारा आदिवासी महिला से बलात्कार और हत्या के प्रयास के खिलाफ आदिवासी संगठनों द्वारा किया जा रहा विरोध प्रदर्शन बुधवार को हिंसक हो गया, जिसके बाद पुलिस को वहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। देश के 78 लाख ईपीएस पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी, रिटायर होने के बाद पेंशन पाने वाले लोगों को सरकार ने बड़ी खुशी दी, इससे उनकी सबसे बड़ी परेशानी खत्म होती दिखाई दे रही है। दरअसल कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के लिए एकीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रस्ताव को केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री और ईपीएफ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा का दावा, हरियाणा में कांग्रेस जारी है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पार्टी के आंतरिक आकलन, जमीनी रिपोर्ट्स और मीडिया रिपोर्ट्स से पता चलता है कि हरियाणा में बीजेपी जारी है और कांग्रेस आ रही है। शिवाजी की मूर्ति गिरने के मामले में एक्शन, पुलिस हिरासत में भेजे गए ठेकेदार और सलाहकार। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में गिरफ्तार ठेकेदार और सलाहकार को कोर्ट ने 10 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बता दें कि इस मामले में विपक्ष सत्ताधारी महायुति सरकार की जमकर आलोचना हो रही है। शेयर बाजार में अच्छी शुरुआत के बावजूद टूटा सेंसेक्स, 151 अंक फिसला। चौथे कारोबारी दिन सेंसेक्स 151 अंकों की गिरावट के साथ 82,201 पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर निफ्टी 53 अंक कमजोर होकर 25,145 के स्तर पर बंद हुआ। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आपको आज के वायरल वीडियो को दिखा देते हैं। आज देश भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी वीडियो निकलकर सामने आई जो आपको हैरान और परेशान कर देगी। रतलाम में शिक्षक दिवस के दिन टीचर की क्रूरता का मामला सामने आया। पढ़ाई न करने पर शिक्षक ने बच्ची को खौफनाक सजा दी। नशे में धुत टीचर ने कैंची से छात्रा की चोटी काट दी। बच्ची रोती और गिड़गिड़ाती रही, लेकिन टीचर ने उसकी एक ना सुनी। राप्ती की प्राइमरी स्कूल की सेमलखेड़ी 2 में बुधवार को हुई इस घटना का वीडियो गुरुवार को सामने आया। शिक्षा विभाग ने मामले में कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन देखा जाए तो ये मुद्दा काफी ज्यादा हैरान कर देने वाला है। माता पिता अपनी बच्ची को इस उम्मीद से शिक्षा के मंदिर में भेजते हैं कि उनकी बेटी सुरक्षित रहेगी, लेकिन जिस तरह से ये वीडियो सामने आया है वो बेहद शर्मनाक है। एक शिक्षक पर यह कैसे शोभा दे सकता है कि एक छात्रा के वो बाल काट दे। इस शिक्षक को शिक्षक कहना भी गलत होगा। फिलहाल जरूरी है इस मामले पर कार्रवाई हो, ताकि आगे कभी किसी बच्ची के साथ ऐसा ना हो। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे आज की अहम रिपोर्ट की ओर। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कोर्ट का आदेश उनके पक्ष में आने के बाद से अभ्यर्थी कभी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर प्रदर्शन करते हैं, तो कभी केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस की मुखिया अनुप्रिया पटेल के पास अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आते हैं, मगर आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिलता। ऐसे में सीएम योगी और उनकी सरकार पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। सीएम योगी पर लोगों का कभी रोष दिखता है तो कभी ये लोग उनसे गुहार लगाते नजर आते हैं, मगर अब सीएम योगी ही एक मंत्री ने सीएम योगी के खेमे में रहते हुए ऐसी बात बोल दी है जिसका जवाब राजभर को कहीं ना कहीं सीएम योगी को देना पड़ सकता है। जी हां, अभ्यर्थियों ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के आवास के बाहर हल्ला बोला था। इसी क्रम में बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को
सुबसपा मुखिया और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद राजभर ने कुछ ऐसा कह दिया जो हैरान कर देने वाला है। राजभर ने कहा कि आप लोगों ने अब मुख्यमंत्री, माफ करिएगा, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया था। उसी वक्त हमने केशव जी से बात की थी। केशव जी ने कहा था कि ये सब अभ्यर्थी हमारे लोग हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, तो अब 5 लोगों को मुख्यमंत्री के यहाँ लेकर चलेंगे। उसमें 3 महिलाएं और 2 पुरुष अभ्यर्थी शामिल होंगे। अब आपके लिए प्रयास करेंगे। अगर हमारे हाथ में होता तो अभी तत्काल आपको नियुक्ति पत्र बांट देते। आप कहें तो सरकार छोड़कर चले जाएं, हम मस्त मौला हैं, हम छोड़कर भी चले जाएंगे। अब देखा जाए तो सब सीएम योगी या कोई भी मंत्री इस मुद्दे पर बात नहीं कर रहा या अपनी ओर से कोई फैसला नहीं कर रहा है। ऐसे में बीजेपी के दामन के साथ खुद ही पार्टी को लेकर चल रहे राजभर ने बड़ा आश्वासन दे दिया है। आपको बता दें, दरअसल हाई कोर्ट की लखनऊ डबल बेंच ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने का समय देते हुए नई मेरिट लिस्ट जारी करने का आदेश दिया था। अब कोर्ट के आदेश का पालन किए जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को अभ्यर्थियों ने सुबसपा मुखिया व कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर के आवास का घेराव किया था। फिलहाल शिक्षक अभ्यर्थियों को आश्वासन राजभर ने दिया और पार्टी छोड़कर दामन भरा है। वो अब आगे क्या मोड़ लेता है, ये राजनीतिक तौर पर उनको कोई दिक्कत उठानी पड़ सकती है। और क्या ये 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के काम आएगा, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। फिलहाल इसी के साथ रुख करेंगे अगली रिपोर्ट्स का। राहुल गांधी ने 2 सालों में अपनी छवि जबरदस्त तरीके से बदली है। पप्पू की छवि से निकलकर वो कब स्मार्ट बनते चले गए पता नहीं चला, मगर क्या कोई वाकई में राहुल गांधी स्मार्ट बन गए हैं, ये बड़ा सवाल अभी भी है। क्योंकि वो कुछ मामलों में खुद को कितना कॉन्फिडेंट दिखाने की कोशिश करते हैं, इतना ही नहीं वो कंफ्यूज भी हैं। जैसे राहुल गांधी बुधवार को जम्मू कश्मीर में थे, उन्होंने रावण और अनंतनाग जिले में कश्मीरी आवाम से कांग्रेस सरकार बनने पर स्टेट हुड लौटाने की बात कही, लेकिन राहुल गांधी ने अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर पूरी तरह से चुप्पी बरतते हुए ये दिखाने की कोशिश की कि जैसे इस मुद्दे को वो जानते ही नहीं हैं। राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं, वो जो कुछ भी बोल रहे हैं जनता उस पर गौर कर रही है। राजनीतिक गलियारों में उनकी हर बात पर कांग्रेस को लगता है कि उन्होंने मैदान मार लिया है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी साबित करने में लग जाती है कि राहुल गांधी अभी भी लुंज पुंज राजनेता जैसी बातें करते हैं, मगर देखा जाए तो वाकई राहुल गांधी ने इतने तरह का बयान दे दिए हैं कि आम लोगों का समझना मुश्किल हो गया है कि कांग्रेस किशोर है। जैसे अनुच्छेद 370 पर राहुल गांधी का दुलमुल रवैया है, मगर फिर भी कश्मीर को स्टेटहुड वापस देने का दावा कर रहे हैं। राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम का वायदा करते हैं, पर केंद्र में इसकी कोई बात नहीं करते। CA पर विरोध करते हैं, मगर मौका देखकर रुख बदल लेते हैं। जाति जनगणना देश भर में कराने का दावा करते हैं, पर कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल पर चुप्पी साध लेते हैं। कुल मिलाकर देखा जाए, बीते लोकसभा चुनाव के नतीजे ने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व, खासकर राहुल गांधी को काफी मजबूती प्रदान की है। बीते चुनाव में कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ अच्छा तालमेल बिठाकर खुद की सीटों की संख्या करीब करीब दोगुनी कर ली, मगर फिर भी ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं जिस पर राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसका कुछ पता नहीं। अब इसे राहुल गांधी की चालाकी की जाए या फिर कुछ वे कुपी, इसका फैसला आप खुद कर सकते हैं। फिलहाल हम रुख करेंगे अगली रिपोर्ट्स की ओर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समय विधानसभा उपचुनाव का मसला खासा गरमाया हुआ है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और विपक्षी समाजवादी पार्टी इस चुनाव में अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रही हैं। दोनों ही दल जीत की रणनीति तैयार कर रहे हैं। दरअसल प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाला उपचुनाव कई मायने में महत्वपूर्ण है। लोकसभा चुनाव में बदली रणनीति के तहत उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को करारी मात दी है। अब विधानसभा उपचुनाव में पार्टी इस मोमेंट को
बरकरार रखने की कोशिश में हैं। इसके जरिए विधानसभा चुनाव 2027 की रूपरेखा तैयार करने की कोशिश अखिलेश यादव करते दिख रहे हैं। इस बीच कांग्रेस से गठबंधन के मसले पर अखिलेश यादव का 50-50 बिस्कुट वाला बयान आ गया। दरअसल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जब सवाल किया गया कि उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से 5 सीटों पर दावा किया जा रहा है, इस पर अखिलेश यादव ने कहा कि 50-50 तो बिस्कुट आता है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं दोनों पार्टियों में भी तकरार की स्थिति बनने वाली है। दरअसल समाजवादी पार्टी की कोशिश अपनी 5 विधानसभा सीटों पर जीत को बरकरार रखने के साथ NDA वाले पहली 5 विधानसभा सीटों को जीतने की है। ऐसे में कांग्रेस को सीट देने में अखिलेश यादव थोड़ा संकोच जरूर करेंगे। वहीं उपचुनाव में सीटों पर समीकरण और स्थिति क्या है, आइए आपको समझाते हैं। उत्तर प्रदेश की खाली 10 विधानसभा सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होगा। 10 सीटों में से 5 सीटें मऊ, कटहरी, करहल, मलिकपुर, कुरंदकी समाजवादी पार्टी के पास थीं। फूलपुर, गाजियाबाद, मजवा, खैर भाजपा के पास थीं। मीरापुर सीट भाजपा के सहयोगी राष्ट्रीय लोक दल के विधायक थे। अब इन सीटों पर दोनों पार्टियों की जीत रणनीति तैयार करती दिख रही है। हालांकि अब विपक्षी गठबंधनों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद गहराता दिख रहा है। वहीं कांग्रेस का दावा NDA की जीती सीटों पर है। ऐसे में उपचुनाव कितना दिलचस्प होगा, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की, खास खबरों की खास रिपोर्ट्स। इसके अलावा आज कौन सी खबर चर्चा का विषय बनी रही, आइए आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अबकारी नीति घोटाले से जुड़े CBI भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल की पीठ ने दिल्ली CM की जमानत याचिका पर सुनवाई की। वहीं एक्टर सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए लोगों से अपील की है। एक्टर के इन प्रयासों के लिए आंध्र प्रदेश के CM ने उनकी तारीफ भी की है। इसके अलावा आज रविंद्र जडेजा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। जामनगर से भारतीय जनता पार्टी की विधायक और रविंद्र जडेजा की पत्नी रीवा जडेजा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी। वहीं केंद्र सरकार की ओर से अग्निवीरों के लिए अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई। दरअसल सरकार जल्द ही अग्निवीरों के वेतन में इजाफा कर सकती है। यही नहीं, इस योजना से जुड़े कुछ और भी बदलाव जल्द नजर आएंगे। फिलहाल अब वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, मगर जाते जाते बात आपसे जरूर करेंगे। आज कोलकाता रेप केस में पीड़िता के माता पिता ने एक आरोप लगाया। उन्होंने कहा जब उनकी बेटी का शव घर में आया था तब पुलिस ने उनसे पैसों की पेशकश करके मामले को रफा दफा करने की बात कही थी। अब सोचिए अगर देश में पुलिस ही ऐसा करेगी फिर न्याय कहां से मिलेगा। कोलकाता के रेप केस में लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं इंसाफ की, मगर ये हालात ऐसे हैं कि पीढ़ियां गुजर जाती हैं लेकिन वो तारीख नहीं आती जब इंसाफ मिले। आरोपी खुले घूमते रहते हैं और पीड़ित लोग डर में जीते रहते हैं लेकिन वो तारीख नहीं आती। सरकारों, वकीलों और न्यायाधीशों ने इस बारे में हो सकता है सोचा होगा लेकिन इस दिशा में कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए। किए भी गए हो तो ना तो वे आम आदमी को दिखाई दिए और ना ही न्याय प्रक्रिया में उनकी झलक दिखाई पड़ी। न्याय प्रक्रिया को इतना सरल और सहज बनाना चाहिए कि आम आदमी कोर्ट रूम में जाने से घबराए नहीं। खासकर पीड़ित व्यक्ति की घबराहट तो दूर करनी ही चाहिए। आखिर तारीख पे तारीख के नकारात्मक कल्चर को न्यायपालिका कब तक ढोती रहेगी। प्रतिक्रिया में सुधार की बात ठान ली जाए तो पेंडिंग केस और नए मामले में भी देरी की समस्या से निजात पाया जा सकता है, मगर ठानेगा कौन, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल जाते जाते पेश है आपको आज का सुविचार। होना एक दिन सबका हिसाब है, जिंदगी कर्मों की लिखी किताब है।